उसमें मुझे लगता है कहीं ना कहीं जो श्रोमणी अकाली दल ने इस बार चुनाव मैदान में नहीं आया तो उनका कहीं ना कहीं फायदा कह सकते हैं, आम आदमी पार्टी के वोटर्स का जो फायदा को मिला है कह सकते हैं कि कांग्रेस बढ़ नहीं पाई और भारतीय जनता पार्टी जम नहीं पाई और कांग्रेस जो आपका जलवा फिर से कायम रहा है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजेंद्र दत्त और आप देख रहे हैं अर्थप्रकाश टीवी। दोस्तों, देश में 20 तारीख को कई जगह पे उपचुनाव हुए और कई जगह पे विधानसभा के चुनाव हुए और आज 23 तारीख को लगभग सब जगह पे जो है उनके परिणाम आ गए हैं। हम बात करते हैं पंजाब की। पंजाब में उप चुनाव हो रहे थे विधानसभा के, जिसमें 4 सीटों पर चुनाव थे और 4 में से 3 सीटों पर आम आदमी पार्टी ने जीत दर्ज की है और 1 सीट पर बरनाला से कांग्रेस पार्टी जो है उसके उम्मीदवार जीते हैं। इसी पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ हैं सतीश मेहरा जी, आइए उनसे चर्चा करते हैं। मेहरा साहब, सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारे स्टूडियो में। धन्यवाद, नमस्कार। मेहरा साहब, उपचुनाव हुए पंजाब में और लग रहा था कि कहीं ना कहीं कांग्रेस, जैसे पिछले लोकसभा चुनाव में उसने बढ़त बनाई पूरी तरह से, तो कांग्रेस कुछ जलवा दिखा सकती है। दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी भी बहुत जोश में नजर आ रही थी और लग रहा था कि भारतीय जनता पार्टी भी इस बार अपनी उपस्थिति कहीं ना कहीं दर्ज करा सकती है, लेकिन हुआ फिर वही। सत्तारूढ़ पार्टी जो पंजाब में है आम आदमी पार्टी, वो 4 में से 3 सीटों पर इस समय जीत हासिल कर लिया उसने और 1 सीट जो बरनाला की सीट है उस पर कांग्रेस के उम्मीदवार जीते हैं। तो क्या लगता है आपको कि आने वाले 2027 के चुनाव के लिए क्या उसमें आम आदमी जो पार्टी है वो अपना जनाधार बरकरार कर रख लिया उसने, या जो दूसरी ओर कांग्रेस है, कांग्रेस जो है वो कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव के रिजल्ट है उसके नतीजे जो है उसके मुकाबले पीछे गई है, तो ये क्या इन सब चीज के पीछे आपको लगता है क्या संदेश दे रही है ये चीजें? देखिए राजेंद्र जी, इस बार का जो ट्रेंड हम देखते हैं रिजल्ट का, चुनाव की जो मतगणना आज कंप्लीट हुई है, उसमें लगता है कि जिन राज्यों में जिस भी पार्टी की सरकार थी उन राज्यों में उसी पार्टी ने रिपीट किया है। महाराष्ट्र की चाहे हम बात करें तो महाराष्ट्र में जैसे महायुति की सरकार थी, महायुति एक थंपिंग मेजोरिटी से दोबारा वो सत्ता में आई है। बिल्कुल बिल्कुल। और सबसे ज्यादा सीट भारतीय जनता पार्टी को मिली है और क्योंकि पहले भी महायुति की सरकार वहां पे थी और अब फिर रिपीट कर रही है महाराष्ट्र में। और इसी प्रकार से अगर झारखंड में देखें तो झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार थी वहां पर, वहां भी इसी जो पीछे सरकार थी उन्होंने अभी रिपीट किया है और उनकी भी झारखंड में कह सकते हैं थंपिंग मेजोरिटी के साथ वो सत्ता में आई हैं। और उत्तर प्रदेश की बात करते हैं, उत्तर प्रदेश में भी 9 विधानसभा क्षेत्रों में उपचुनाव था, उनमें भी ज्यादातर विधानसभा क्षेत्रों में, मुझे लगता 7 विधानसभा क्षेत्रों में भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल की के जो उम्मीदवार जीते हैं। इसी प्रकार से पंजाब में भी ऐसा ही हुआ है, पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार थी, पंजाब में 4 विधानसभा क्षेत्रों में उपचुनाव था और पंजाब में आम आदमी पार्टी ने 4 में से 3 सीटों पर विजय दर्ज की है, ये बहुत बड़ी बात है। जबकि पिछले लोकसभा के चुनाव जो हुए थे, लोकसभा के चुनाव में आम आदमी पार्टी कहीं ना कहीं पिछड़ गई थी, कांग्रेस ने वहां पर 7 सीटें जीती, 13 में से 7 सीटें जीती, तो आम आदमी पार्टी केवल और केवल 3 सीटें जीत पाई थी। ये एक बहुत बड़ा झटका था आम आदमी पार्टी के लोकसभा चुनाव में, लेकिन अभी उन्होंने अपनी रिकवरी कर ली है। आम आदमी पार्टी ने जो 3 सीटें जीती वो उनके लिए एक मुझे लगता है बहुत हौसले की और बहुत उत्साह देने वाली, आम आदमी पार्टी को के लिए ये बड़ी बात होगी कि दोबारा से आम आदमी पार्टी ने बैकअप किया है और अपनी लोकप्रियता को और बढ़ाया है और ये कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी के लिए और उनके कार्यकर्ताओं के लिए, सरकार के लिए एक उनको खुशी देने वाली बात होगी। दूसरी ओर आपने बात की कांग्रेस पार्टी की, कांग्रेस पार्टी ने बहुत अच्छा किया था 2024 के जो लोकसभा चुनाव में, हमने जैसे बताया कि 7 सीटें उन्होंने जीती थी और कांग्रेस पार्टी का मनोबल हाई था और कहीं कहीं लग भी रहा था कांग्रेस पार्टी इस बार भी लोकसभा के जो चुनाव आए थे उनको देखते हुए जो उपचुनाव हुए हैं उनमें भी कहीं कहीं अच्छा करेगी जी, लेकिन ऐसा कर नहीं पाई वो। उसमें मुझे लगता है कहीं कहीं जो श्रोमणी अकाली दल ने इस बार चुनाव मैदान में नहीं आया तो उनका कहीं कहीं फायदा कह सकते हैं,
आम आदमी पार्टी के वोटर्स का जो फायदा को मिला है, ये विशेष बात इस चुनाव में रही है। और इसे कह सकते हैं कि कांग्रेस बढ़ नहीं पाई और भारतीय जनता पार्टी जम नहीं पाई, और कांग्रेस जो आपका जलवा फिर से कायम रहा है। इस बार जो भारतीय जनता पार्टी के जो थे, कहीं ना कहीं लग रहा था कि एक जो मनप्रीत सिंह बादल जो गिदड़वा से चुनाव लड़ रहे थे, वो वहां से 4 बार विधायक भी रहे हैं, सरकार में 2 बार पीछे वित्त मंत्री भी रहे हैं, उनका कहीं कहीं लग रहा था 2 नंबर पे शायद हो सकता है आए, लेकिन उनको बहुत कम वोट मिले हैं। तो कुछ लोगों का ये भी कहना था कि मनप्रीत बादल को जो श्रोमणी अकाली दल का जो कैडर वोट है वो कहीं कहीं मिलेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और जो श्रोमणी अकाली दल का जो कैडर वोट है वो कहीं कन्वर्ट हो गया, कहीं मुझे लगता है कहीं आम आदमी पार्टी की तरफ कन्वर्ट हुआ है, क्योंकि जो श्रोमणी अकाली दल पार्टी भी चाहेगी कि कोई भी जो एस्टेब्लिश्ड जो पार्टी है पहले से, जैसे कांग्रेस है पंजाब में एस्टेब्लिश्ड पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी है, उनका यही मुझे लगता है रवैया रहा होगा कि कहीं कहीं एस्टेब्लिश्ड जो पार्टी है उनको वोट ना दिलवाया जाए, क्योंकि वो तो बहुत बड़ी पार्टी हो जाएंगी। तो उन्होंने सोचा होगा कि कहीं कहीं आम आदमी पार्टी की तरफ इशारा किया जाए तो उसको कभी भी या तो दुश्मनी की जा सकती है, दुश्मनी के तहत तो उसको पीछे किया जा सकता है, या फिर दोस्ती का हाथ भी बढ़ाया जा सकता है, क्योंकि 2027 का जो चुनाव विधानसभा का पंजाब में होगा उस चुनाव को देखते हुए श्रोमणी अकाली दल भी चुनाव लड़ेगा डेफिनेटली, और आम आदमी पार्टी तो चुनाव में आएगी क्योंकि उनकी सरकार भी है, और अभी जो 3 सीटें उन्होंने जीती हैं उससे और ज्यादा मनोबल बढ़ा है उनका। आपने बात की गिदड़वा सीट की, गिदड़वा सीट से जहां एक और मनप्रीत बादल भारतीय जनता पार्टी की तरफ से थे, वहीं कांग्रेस की तरफ से अमृता वड़िंग, जो राजा वड़िंग है, अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग कांग्रेस प्रधान है पंजाब के और बड़े मुखर नेता है और इस समय सांसद भी है, वो लगातार एक उनकी पक्की सीट रही है, क्योंकि वहां पहले वो यहां से विधायक भी रहे हैं, तो उसके बाद उनके सांसद बनने के बाद ये सीट खाली हुई थी, तो वो अपनी सीट को भी बचा नहीं पाए हैं। हालांकि बड़ी आश्वस्त नजर आ रही थी कांग्रेस पार्टी, बावजूद इसके ये सीट एक जो पार्टी प्रधान है उसकी अपनी सीट जो है वो भी वो बचा नहीं पाए, इसके पीछे के कारण क्या, वही जैसे हरियाणा में हुआ माइक्रो मैनेजमेंट, संगठन की कमी, क्या क्या रीजन हो सकते हैं सबके पीछे? राजा वड़िंग जैसे पहले गिदड़वा से विधायक बनते रहे हैं और उन्होंने गिदड़वा से रिजाइन करके लोकसभा का लुधियाना से चुनाव लड़ा और लुधियाना से उन्होंने जीत दर्ज की, और लोकसभा की अगर हम बात करें तो राजा वड़िंग बहुत अच्छे मतों से गिदड़वा की जो विधानसभा सीट है जी जी उससे उन्होंने बहुत अच्छे मतों से जीत दर्ज की थी, लेकिन अब इसी विश्वास के कारण उन्होंने अपनी पत्नी को कांग्रेस का टिकट दिलवाया और उनको मैदान में उतारा, लेकिन उनकी जो पत्नी अमृता वड़िंग है अभी हरदीप सिंह डिम्पी से हार गई, उनको बड़ी उम्मीद थी इस सीट से जीतने की क्योंकि उनकी अपनी पक्की सीट, ये राजा वड़िंग के लिए तो एक सेटबैक है ही, उधर कांग्रेस पार्टी के लिए भी एक बहुत बड़ा सेटबैक है, क्योंकि राजा वड़िंग कांग्रेस पार्टी के पंजाब में प्रधान है और एक प्रधान की पत्नी का चुनाव हारना और उसकी अपनी सीट से ये बहुत एक मुझे लगता है सेटबैक है पूरी कांग्रेस पार्टी के लिए, और यहाँ तक कि वो जो पहले जीतते रहे हैं और लोकसभा में अच्छा किया था, लेकिन अब वो अपनी पत्नी को नहीं जीता पाए, तो मुझे लगता है कि हरदीप सिंह डिम्पी जो जीते हैं आम आदमी पार्टी के, उन्होंने एक सरकार है, आम आदमी पार्टी की सरकार है और बड़ा माइक्रो मैनेजमेंट उन्होंने किया है जी, और कहीं ना कहीं जो एक सिक्खी वोट है उनकी उनके पक्ष में गया है जी। श्रोमणी अकाली दल इस बार चुनाव मैदान में नहीं था और हरदीप सिंह डिम्पी अगर उनसे जीतते हैं तो हरदीप सिंह डिम्पी कहीं ना कहीं पहले श्रोमणी अकाली दल में रहे हैं जी, और उनका जो कैडर वोट है मुझे ऐसा लगता है उनका कैडर वोट हरदीप सिंह डिम्पी को मिला है और इसी वजह से उनकी एक अच्छी मुझे लगता है 21,000 मतों से जीत दर्ज होना एक भारी जीत इसको कहा जा सकता है जी। और ऐसे में कहें स्वाभाविक है उनका जो कैडर वोट है, जब श्रोमणी अकाली दल का जो कैडर वोट रहा है वो कहीं कहीं इनको मिला है, इसी वजह से उनको अच्छा कर पाए। श्रोमणी अकाली दल की आप बात कर रहे हैं, श्रोमणी अकाली दल इस बार विधानसभा चुनाव का बायकॉट किया, उन्होंने उसमें चुनाव में पार्टिसिपेट नहीं किया क्योंकि पार्टी आंतरिक फूट जो है उसका एक बड़ा कारण रही है, दूसरी ओर जो उसका वोट, उन्होंने एक बयान दिया था कि हम भले ही चुनाव नहीं लड़ रहे हैं लेकिन फिर भी बहुत एक्टिव रोल प्ले करेंगे,
तो क्या कह सकते हैं कि उनका जो कैडर वोट है वो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी की तरफ गया? क्या क्या इसका मतलब, एक मेरा सवाल एक और है इसके साथ ही, सबसे पहले तो यही सवाल है कि क्या जो इनका वोट जो कैडर वोट रहा है श्रोमणी अकाली दल का, क्या वो इनको गया? और दूसरा साथ ही एक और भी है, क्या भविष्य में ये आपस में इनका गठजोड़ भी हो सकता है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के साथ इनका गठजोड़ रहा है बहुत देर से, और भारतीय जनता पार्टी के साथ इनका गठजोड़ जो है वो किसान मूवमेंट को लेकर टूट गया था, उसके बाद बीएसपी के साथ गठजोड़ रहा, बीएसपी के साथ कहीं ना कहीं ये कुछ अच्छा करिश्मा नहीं दिखा पाए। तो पंजाब में अगर दोबारा से अपना वजूद तलाशना है श्रोमणी अकाली दल को, किसी न किसी के साथ तो अलायंस करेंगे, तो क्या आम आदमी पार्टी के साथ इनका अलायंस, इनका गठजोड़ हो सकता है? देखिए राजेंद्र जी, श्रोमणी अकाली दल एक लंबे समय तक पंजाब में शासन उन्होंने किया है, सरदार प्रकाश सिंह बादल 5 बार पंजाब के चीफ मिनिस्टर रहे हैं, और सरदार प्रकाश सिंह बादल के साथ साथ सुखबीर बादल का भी कार्यकर्ताओं पर पकड़ रही है। हालांकि इस बार जो पार्टी, आपने बताया कि इस बार चुनाव में पार्टिसिपेट नहीं किया, लेकिन उनका ये नहीं कह सकते कैडर वोट कहीं ना कहीं खत्म हो गया है, कैडर वोट श्रोमणी अकाली दल का अभी भी है, और श्रोमणी अकाली दल ने अभी जो एक रीजनल पार्टी कह सकते हैं पंजाब में है, पंजाब की बड़ी रीजनल पार्टी, बड़ी रीजनल पार्टी है, और कहीं ना कहीं पंजाब के लोग भी चाहते हैं कहीं रीजनल पार्टी कहीं के ऊपर उठ के आए, और ऐसे में जो श्रोमणी अकाली दल की सोच रही होगी किसी एस्टेब्लिश पार्टी को कहीं पंजाब में किसी का साथ नहीं दिया जाए, क्योंकि अगर किसी एस्टेब्लिश पार्टी, बड़ी पार्टियां जैसे भारतीय जनता पार्टी की बात करें, कांग्रेस पार्टी की बात करें, अगर उनका साथ देंगे तो वो एक बड़ा दुश्मन, राजनीतिक दुश्मन खड़ा करने वाली बात होगी, और कोई भी पॉलिटिकल पार्टी ये नहीं चाहेगी अपने स्टेट में कि कहीं ना कहीं दुश्मन को और ज्यादा ताकतवर किया जाए। दुश्मन मीन्स राजनीतिक, एक जी जी प्रतिद्वंदी, राजनीतिक प्रतिद्वंदी की बात कर रहे हैं। तो इसलिए मुझे लगता है जो उनका श्रोमणी अकाली दल का कैडर वोट है वो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी की तरफ डाइवर्ट हुआ है, और इसी वजह से हरदीप सिंह डिम्पी और जैसे चब्बेवाल में ईशान कुमार हैं, डॉक्टर ईशान कुमार, और डेरा बाबा नानक में गुरदीप सिंह रंधावा हैं, उनकी कहीं कहीं अच्छी मार्जिन से वो जीत पाए हैं। हालांकि चब्बेवाल में जो जीत उनकी हुई है, जो अच्छी जीत मान सकते हैं, ईशान कुमार की जो 28,000 वोटों से जीते हैं, और ईशान कुमार के पिता भी इस सीट से विधायक रहे हैं, वो पीछे लोकसभा के चुनाव में उन्होंने इस सीट से रिजाइन करके लोकसभा का चुनाव लड़ा था, और लोकसभा के चुनाव में वो जीत दर्ज की, उन्होंने एमपी बन गए, तो अभी उनके बेटे ने चुनाव, बेटे को चुनाव लड़वाया, और वो कहीं कहीं आप वो चुनाव 28,000 वोट से जीते हैं, और इसका सीधा सीधा सा मुझे लगता है कि कहीं कहीं जो श्रोमणी अकाली दल का वोट बैंक है, जो कैडर वोट श्रोमणी अकाली दल का रहा है, वो आम आदमी पार्टी की तरफ डाइवर्ट हुआ है। और आपने बात की कि किसान मुद्दे पर, किसान मुद्दे पर जो श्रोमणी अकाली दल की आपने बात की, श्रोमणी अकाली दल ने भारतीय जनता पार्टी से अपना समर्थन वापस लिया था, और समर्थन वापस लेकर एक किसानों के प्रति हमदर्दी उन्होंने जताई ठीक, और इसी प्रकार से किसानों की जो विचारधारा है, किसान को सशक्तिकरण की जो विचारधारा है, उस विचारधारा पर श्रोमणी अकाली दल राजनीति करता रहा है। और इसी प्रकार से जैसे आम आदमी की पार्टी की बात करते हैं, किसानों के प्रति क्या रवैया उनका रहा है, जब दिल्ली में जो किसानों ने एक विरोध किया था बहुत लंबे समय तक, 1 साल से भी अधिक जो विरोध प्रदर्शन चला था, उसमें कहीं कहीं आम आदमी पार्टी ने उनका भी कहीं कहीं समर्थन करने की कोशिश की थी जी। और उनका जो हम दिल्ली की आम आदमी पार्टी की बात करें तो उन्होंने समर्थन दिया था, हर तरह से वो किसानों के साथ खड़े दिखाई दिए थे। तो अभी मुझे इस लगता है कि कहीं कहीं किसानों का जो वोट बैंक था एक, वो कहीं कहीं कांग्रेस पार्टी की तरफ और भारतीय जनता पार्टी की तरफ न जाकर आम आदमी पार्टी का उन्होंने साथ दिया है, और इसी वजह से कहीं वो आम आदमी पार्टी ने अच्छा प्रदर्शन वहां पे किया है। आम आदमी पार्टी की बात करूं तो आम आदमी पार्टी ने एक सोची समझी रणनीति के तहत पहले तो एक सिख चेहरे को मुख्यमंत्री बनाया, उसके बाद कांग्रेस की बात करें या भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो वो हिंदू वोटर को लुभाते हैं। अब एक नई रणनीति जो मुझे लग रहा है कि आम आदमी पार्टी ने बनाई है कि हिंदू जो वोटर है उसको साधने के लिए,
उन्होंने अमन अरोड़ा को पार्टी का प्रधान बनाया पंजाब में। क्या लगता है कि उन्होंने हिंदू वोटर को साधने के लिए किया है या उनकी क्या रणनीति है? देखिए अभी जो जो चार उपचुनाव हुए हैं जी, उन चार उपचुनाव में तीन जो विधानसभा क्षेत्रों में इनकी जीत से लगता है कि कहीं ना कहीं सिक्खी पे उन्होंने आम आदमी पार्टी ने जोर दिया है और वो भी किसानी पे जोर दिया है। जो तीन जी उनके जो जीते हैं वो कम इनके जट सिख समुदाय से, दो जट सिख समुदाय से, दो उम्मीदवार जट सिख समुदाय से आते हैं और इसी को देखते हुए जट सिख को नजदीक लेके आना और हिंदू जो जो वोटर रहा है और हिंदू चेहरा है जो अमन अरोड़ा की जैसे आपने बात की उनको कांग्रेस आप पार्टी का प्रधान उन्होंने बनाया है, तो उनका यही कोशिश है कि कहीं कहीं जो जिस वोट बैंक पे भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस एक अधिकार रखती है और वो चुनाव जीतती रही है, चाहे दूसरे स्टेट की बात करें तो हिंदू वोटर्स पे, तो वो कहीं कहीं उसने आम आदमी पार्टी ने अपनी रणनीति के तहत हिंदू वोटर को अपने पक्ष में करने के लिए अमन अरोड़ा को आम आदमी पार्टी का प्रधान बनाया और आने वाला समय बताएगा कि ये कितना फायदा उनको दे पाएगा। लेकिन ये कहीं ना कहीं रास्ता भी इसका भी तय हो गया कि श्रोमणी अकाली दल अकेला तो 2027 का चुनाव नहीं लड़ेगा, कहीं ना कहीं किसी न किसी का साथ लेना पड़ेगा और इसमें चुनाव में मुझे लगता है कहीं कि ये भी रास्ता साफ हो गया कि उनका हाथ कहीं कहीं आम आदमी पार्टी की तरफ बढ़ रहा है। क्योंकि पंजाब की बात करूं तो श्रोमणी अकाली दल जो है वो एक पंजाब की बड़ी रीजनल पार्टी होने के बाद अभी फूट का बहुत बुरी तरह से शिकार है और पार्टी को द्वारा स्थापित होने में समय लगेगा और हो सकता है आने वाले विधानसभा चुनाव में वो उतना करिश्मा ना दिखा पाए, इसलिए उनको किसी न किसी का सहारा चाहिए होगा, किसी न किसी का हाथ उनको चाहिए होगा। तो मुझे लगता है आम आदमी पार्टी से बेहतर उनको शायद कोई और पार्टी नहीं हो सकती उनके लिए, तो आप बिल्कुल ठीक कर रहे हैं उस चीज़ निश्चित रूप से। राजेंद्र जी देखिए 2027 में जो चुनाव होना है वो श्रोमणी अकाली दल जो पार्टी है वो चुप नहीं बैठेगी, पूरे दलबल के साथ चुनाव मैदान में आएगी और एक रणनीति के तहत चुनाव मैदान में आएगी और ये देख के आएगी कि किन का साथ लेना है और किन से दूर होना है, वो स्ट्रेटजी तैयार करेगी और देखना मुझे लगता है कि बहुत अच्छे प्रदर्शन वो 2027 में पंजाब में निश्चित रूप से करेगी, चाहे किसी का भी साथ लेना पड़े। और क्योंकि लगातार लंबे समय तक चुनाव में पंजाब में शासन करती रही है तो एकदम से वो मुझे लगता है चुनाव से आउट नहीं होगी और 2027 में देखने वाली बात है वो किसके साथ मिलकर चुनाव लड़ती है। So, दोस्तों पंजाब में चार विधानसभा के उपचुनाव हुए हैं और उनमें से चार में से तीन पर आम आदमी पार्टी ने जीत दर्ज किया। ये कहीं ना कहीं संदेश है कि आम आदमी पार्टी जो है अपने जलवे को बरकरार रख पा रही है और दूसरी ओर कांग्रेस पार्टी जो है जिन्होंने लोकसभा चुनाव में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया था, बावजूद इसके विधानसभा चुनाव के जो उपचुनाव हुए हैं उसमें वो फिर से पिछड़ती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस को जो अगर अपने आप को अपनी साख को बचाए रखना है तो उनको माइक्रो मैनेजमेंट की बात करें या संगठन की बात करें उसको मजबूत करना पड़ेगा और बड़ा सोच समझ के साथ 2027 के जो विधानसभा चुनाव है उसके लिए तैयारी करनी पड़ेगी। मेरा साहब आप मेरे स्टूडियो आए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद, नमस्कार।